बड़े दुख की बात है कि हाथरस में वाल्मीकि समाज की एक नवयुवती के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, पहले बलात्कार हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जीभ काट ली गई और मर्डन अवस्था में इसको छोड़ दिया गया। वहां के प्रशासन ने जितनी बेहूदगी और जितना शर्मिंदगी का काम किया, जितनी आलोचना की जाए कम है। उधर दूसरी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि अंतिम समय उसके परिवार को उसके दर्शन भी नहीं करने दिए गए। यह पुलिस का बहुत ही जघन्य निर्भव कांड है, इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है, क्योंकि मृतक इन पुलिस ने जबरदस्ती उनके परिवार को एक घर में बंद कर दिया और मिट्टी का तेल डालकर उसको अंतिम संस्कार किया, जो एक बहुत बड़ा अपराध है। इसमें हमारी सरकार से मांग है, हमने दिन में भी मांग की कि ऐसे अपराधियों को और ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करके जेल में डाल दिया जाए और उन अपराधियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए या हैदराबाद की तरह उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। ये हमारी मांग है वाल्मीकि समाज की। और अब उस बच्ची के लिए हम सभी मोहल्ला माजरा झिंझाना के वासी 2 मिनट की मौन धारण करके उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देख मैंने यहाँ पर जो जो कहा था।